नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पोयम जिसका नाम है ए वेल डिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। ये पोयम लिखी गई थी मेटाफिजिकल पोएट्री के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट के द्वारा, जिनका नाम है जॉन डोन। उन्होंने वैसे तो ये पोयम लिखी थी 1611 में, मीन्स 1611 में, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1633 में, उनकी डेथ के 2 साल के बाद। उन्होंने ये पोयम जब लिखी थी जब वो 1611 में फ्रांस की यात्रा पर जा रहे थे, गवर्नमेंट के किसी काम से, गवर्नमेंट बिजनेस के लिए वो बाहर जा रहे थे। तब उन्होंने, जो उनकी वाइफ बहुत दुखी थी जब, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जा रहे थे, उन्होंने उसे ये शांत करने के लिए लिखी थी। तो जैसा कि इस पोयम का टाइटल है दोस्तों, ए वेल डिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, इसका ये जो पोयम है इस टाइटल के अंदर ही समा जाती है, मीन्स ये टाइटल ही सब कुछ कह देता है। देखो, ए वेल डिक्शन मीन्स एक विदाई, फॉरबिडिंग मॉर्निंग मीन्स यहाँ पर शोक मनाना मना है। फॉरबिडिंग मीन्स मना और मॉर्निंग मीन्स शोक मनाना। तो ये टाइटल ही इस पोयम के बारे में कह रहा है कि जब वो पोएट यात्रा पर जा रहा है तो उसकी वाइफ जब रो रही है तो यहाँ पे शोक मनाना मना है, वो उसे कहता है ऐसा। इस पोएम में दोस्तों टोटल 9 सेटेंजा हैं, छोटे छोटे सेटेंजा हैं ये सब। सभी सेटेंजा में 4 4 लाइन्स हैं, तो टोटल इसमें 36 लाइन्स हैं। तो दोस्तों, इस ये पोएम की समरी में आपको बताने से पहले ही आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस पोएम में जो पोएट हैं जॉन डन, उन्होंने डिफरेंट टाइप की जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे साइंस, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, उनके रेफरेंस दिए हैं, उनके एग्जांपल्स दिए हैं। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये पोएम किसी पोएट ने नहीं, किसी बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज की नॉलेज रखने वाले एक्सपर्ट बंदे ने लिखी है, जो कि मैं आपको सेटेंजा वाइज जब वो वर्ड्स आएंगे तो आपको मैं बताऊंगा। इसमें एस्ट्रोनॉमी का भी एग्जाम्पल दिया गया है, केमिस्ट्री का भी दिया गया है, साइंस रिलेटेड भी, फिजिक्स रिलेटेड भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो वो मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ मैं इसकी फर्स्ट सेटेंजा से। जब ये पोएम जब स्टार्ट होती है तो जो पोएट है वो फ्रांस के लिए निकल रहा है, तो उसकी वाइफ रो रही है, तो वो उसे शांत करने के लिए कैसे ये पोएम स्टार्ट करता है। तो जो फर्स्ट लाइन है, एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि अपना जो उसका जो घर से जाना है उसको एक चीज़ से कंपेयर करता है, किस इंसिडेंट से कंपेयर करता है कि जब कोई बहुत ही बुद्धिमान गुणों वाला व्यक्ति पास होता है, मतलब कि डेथ होती है उसकी, तो बिल्कुल स्लोली माइंडली बिल्कुल डेथ एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि डेथ एक्सेप्ट करके वो भगवान के पास जा रहा है। वो कोई ज़्यादा हा हल्ला नहीं करता है, मीन्स कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता है। और उसके उसके पास जो आदमी खड़े रहते हैं उन लोगों को इस चीज़ का रियल ज्ञान नहीं होता, मीन्स वो कोई कहेगा कि इसकी सांस रुक गई है, कोई कहेगा ये मर गया, कोई कहेगा ये अभी नहीं मरा है, वो चिट चैटिंग करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली पोएट क्या कहना चाहता है कि जिस तरह से एक वर्चुअस मैन डेथ को गले लगा लेता है, तो डियर आप भी मेरी जो ये कुछ दिनों की विदाई से गले लगा लो और ज़्यादा रोना धोना मत करो, क्योंकि ये उसी चीज़ से कि जैसा लगेगा जैसा जब कोई एक गुणवान व्यक्ति की मौत होती है और लोग ज़्यादा शोर खराबा करते हैं, तो ये वैसा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सेटेंजा है उसमें वो कहता है कि सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज़। वो कहता है कि हमें पिघल जाते हैं, पिघल जाते हैं मतलब ऐसा नहीं कि हम सच में पिघल जाते हैं, पिघल जाते हैं मतलब फिगरेटिव वे में, कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ना ज़्यादा शोर करते हैं, क्योंकि अगर हम ये शोर करेंगे, आंसू बहाएंगे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा और एक ये लोगों के बीच उपहास का कारण बनेगा। हम यहाँ पर आंसू बहाएंगे तो ये हमने जो अपना पास्ट में जितने भी जॉयस फील किए हैं, एन्जॉयमेंट किया है, वो उस सब का एक अपमान होगा। उसके बाद थर्ड सेटेंजा में जो पोएट है वो एस्ट्रोनॉमी का एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व कर रही है, वो घूम रही है, और उसके घूमने की वजह से कई बार नेचुरल डिजास्टर होते हैं, लाइक अर्थक्वेक होता है, साइक्लोन होते हैं, टॉर्पीडोज आते हैं, समुंदर में सुनामी आता है, उसकी वजह से कितना सारा नुकसान होता है और ह्यूमन बींग्स उस नुकसान को काउंट करते रहते हैं। लेकिन जो हमारे सौरमंडल में और भी प्लैनेट्स हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, उनमें भी कंपन होता है, लेकिन वो कभी इतना शोर शराबा नहीं करते, वो इनोसेंट है। लेकिन धरती पर थोड़ा सा भी अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है तो आदमी ये कैलकुलेट करने में लग जाता है कि कितना नुकसान हुआ, कितना नफा हुआ, ये सब करने लग जाता है। तो
तो हमें उस तरह से नहीं करना है, वो शोर शराबा हमें नहीं करना है। तो देखा दोस्तों, जैसे मैंने आपको पोएम के फर्स्ट में बताया था कि जो पोएट है वो बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, उसने एस्ट्रोनॉमी की भी नॉलेज है, वो मतलब एग्जाम्पल के लिए वो प्लैनेट्स का एग्जाम्पल देता है। तो आप सोच सकते हैं कि यही मेटाफिजिकल पोएट्री थी, इसीलिए इसको मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं। उसके बाद जो अगला सेटेंजा है उसमें पोएट कहता है कि डल्स सबलुनरी लवर्स लव, डल मतलब नीरस और सबलुनरी मीन्स भौतिक, मीन्स जो वो उन उन लवर्स का एग्जाम्पल देता है जो एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्टिव होते हैं, मीन्स और स्पिरिचुअली उनके बीच कोई बॉन्डिंग नहीं होती। तो वो कहता है कि जो ये रोना धोना और ये सब है, ये वो लोग करते हैं जिनका फिजिकल अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के लिए, और जब वो थोड़ी सी एब्सेंस हो जाती है एक दूसरे के लिए तो वो बिल्कुल ही डल हो जाते हैं, उनका रिलेशन कमज़ोर हो जाता है और वो टूट जाता है। हमें ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि हमारा जो लव है वो फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों है। उसके बाद पोएट नेक्स्ट सेटेंजा में कहता है कि हम दोनों का प्यार है वो बहुत ही रिफाइंड है, वो बहुत ही प्योर है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा वेगेंट चीज़ नहीं है, और इस चीज़ को हमारे माइंड भी एक्सेप्ट करते हैं, हमारा माइंड भी अश्योर्ड है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ना कि हमारा ओनली दिल, हम दोनों की आत्मा एक ही है। उसके बाद पोएट वर्ड यूज़ करता है ए ब्रीच बट नॉट बट एन एक्सेप्शन। वो कहता है ब्रीच मतलब टूटना, एक्सपेंशन मतलब फैलाव होना। तो उसके बाद वो एग्जाम्पल देता है गोल्ड का, कि वो कहता है कि जो जैसे गोल्ड को हम हिट करके थिन उसकी लेयर्स बना देते हैं तो वो फैल जाता है, लेकिन उसी तरह से जो हमारा प्यार है वो हम दूर जा रहे हैं, ब्रीच हो रहा है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं हो रहा, वो टूट नहीं रहा, वो एक्सपेंड हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पे वो इस चीज़ का एग्जाम्पल देता है। तो देखा आपने यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए उन्होंने, रिफाइंड एंड गोल्ड। तो देखिए ये केमिस्ट्री के एग्जाम्पल दिए उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको पोएम के शुरू में बताया था। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटेंजा है उसमें वो फिजिक्स का एग्जाम्पल देगा। यहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है जो कंपास होती है, जो कि एक दिशा नापने का यंत्र होता है, उसका एग्जाम्पल देता है जिसमें दो सुइयाँ होती हैं लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, वो नॉर्थ साउथ बताती हैं। तो उनमें वो कहता है कि वो एक जो सुई होती है कंपास के अंदर, वो एक आप हो और एक मैं हूँ, हालांकि वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, लेकिन फिर भी अब आप सोचेंगे कि ये तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ। लेकिन इसी को मैं जब मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं, पोएट इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए जब वो दोनों सुई मूव करती हैं तो दोनों अपनी लोकेशन से मूव करती हैं, लेकिन वो दोनों उस जो दूसरी ऑपोजिट सुई है उसकी लोकेशन की तरफ मूव कर, जो जो उसकी ऑपोजिट सुई है उसकी तरफ वो भागती हैं, मीन्स वो फिर वो एक दूसरे से दूर हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे की तरफ भागती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये फिजिक्स का एक इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल दिया है और अपने लव को कंपेयर किया कि हालांकि हम बेशक दूर हो जाएंगे लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के दूर होते हुए भी पास रहेंगे। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की समरी जो मैंने आपको बताई, आशा आपको समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर देना। ओके दोस्तों, बाय।